राष्ट्रीय ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा होली मंगल मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में कुछ पदाधिकारी और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने ही भाग लिया। बड़े स्तर पर कोविड-19 को देखते हुए इसका आयोजन नहीं किया गया। गत वर्ष संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में राष्ट्रीय ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा काफी बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता था, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते कार्यक्रम को बहुत छोटा सा रूप दिया गया था। कार्यक्रम में कई कलाकार भी पहुंचे, जिनमें पंजाबी, हिंदी, अलग अलग कलाकार थे। इस मौके पर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों ने एसोसिएशन के सभी मेंबर्स को बधाई दी। साथ ही इनके मन में यह बात खल रही थी कि कोरोना की वजह से एक साथ होली सभी नहीं मना सके, लेकिन इनका कहना था कि जैसे ही कोरोना संकट से पूरी तरह मुक्ति मिलेगी, एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर सभी एक साथ उत्साहपूर्वक एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। आज के इस कार्यक्रम का आयोजन वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के एक बैंक्वेट हॉल में किया गया था। इस बार कोविड-19 की वजह से हमने वृहद तौर पर नहीं करके, लेकिन एसोसिएशन के और कुछ पदाधिकारी को लेके हम रॉयल पेपर में आज होली मिलन का छोटा सा कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें एक दूसरे से गेट टुगेदर कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट वेलफेयर के लिए हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमारा सारा फोकस हमारा ट्रांसपोर्ट वेलफेयर के लिए है। मैं मीडिया के द्वारा आज ये जितने भी हमारे ट्रक ट्रेड से जुड़े सदस्य हैं सबको ये सूचित करना चाहता हूँ कि हमें जीवन भर अपने ट्रेड के लिए लड़ाई लड़नी है। किसी भी तरह से किसी ड्राइवर को, किसी ट्रांसपोर्टर को यदि कोई प्रताड़ना देते हैं तो हम उसके साथ रात दिन हर तरह से खड़े हैं। का ये होली मिलन का छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के अनुसार, और हमने पिछली साल भी यही प्रोग्राम कराया था, उसी प्रकार अब की बार किया गया है। उनके लिए यही मैसेज है कि जो कोरोना काल है उसी हिसाब से प्रोटोकॉल के हिसाब से अपना सेहत का भी ध्यान रखें और अपने कारोबार को भी उसी हिसाब से करें। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज मुझे एसोसिएशन द्वारा इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। मनु अरोड़ा जी, संदीप शर्मा जी, मोहन जी, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, मैं सबसे पहले उनको दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं, और सबसे सब क्षेत्रवासियों को, सब ट्रांसपोर्टरों को, भारत देश की जनता को, सबको मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हमारी राष्ट्रीय ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन ये दूसरा कार्यक्रम कर रही है होली मिलन का, और होली एक मिलन का प्रतीक होती है कि होली वाले दिन जो है दिल मिल जाते हैं और रंगों से होली खेली जाती है। तो ये जो हमारी ट्रांसपोर्ट लाइन है ये भी आने वाले टाइम में, पीछे लॉकडाउन के दौरान काफ़ी नुकसान हुए, तो ये होली मिलन का जो प्रोग्राम है राष्ट्रीय ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन हमेशा ये प्रोग्राम हर साल सब ट्रांसपोर्टरों के बीच में करती रहेगी। बड़े बड़े आला अधिकारी प्रशासन के यहाँ आए हैं और सब प्रशासन अधिकारियों ने बड़ा अच्छा हमारे साथ होली मिलन में सहयोग किया, और आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट ट्रेड के लिए सभी समस्याओं को दूर करने के लिए तहे दिल से उन्होंने हमारा धन्यवाद किया है। आईपीएस अफसर पर उच्च अधिकारी हर तरह का इंसान आ रहा है, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक सभी प्रकार के इंसान आ रहे हैं। सबकी मदद के लिए राष्ट्रीय ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन 24 आवर तैयार रहते हैं, और कानून के पद के अंदर रह के, कानून के दायरे में रहकर ही ये कार्य करते हैं। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।